गुड मॉर्निंग एवरी वन चलिए हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्लास को जिसमें आप लोग कल तक जो किए थे क्वेश्चन वन सेंटेंस वाला उसमें आप लोग कितना किए होंगे तीन किए होंगे जो बच्चे रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं उन्हें पता होगा तो तीन क्वेश्चन आंसर कल हम लोग किए थे फोर और फाइव जो है अभी करेंगे और फिर उसमें हमारा आएगा नेक्स्ट आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सॉरी कल वाला जो था वो वन वर्ड था ना तीन तक तो चार और पाँच भी वन वर्ड ही है और फिर आगे हमारा वन सेंटेंस वाला चार पाँच क्वेश्चन तो उसको हम लोग करेंगे तो आइए देखिए फोर नंबर क्वेश्चन क्या है नेम द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मेन इन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में मेन का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या होता है तो वहाँ क्या होता है धोती और कुर्ता फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल अ लॉन्ग उलेन कुर्ता विथ लूज स्लीव्स वर्न बाय मेन एंड वोमेन इन कश्मीर इसको हम लोग क्या कहते हैं फीडन बोलते हैं तो ये हो गया आपका वन वर्ड कंप्लीट और अब हम लोग वन सेंटेंस करेंगे एग्जाम का प्रिपरेशन जो है आप लोग वन टू फोर चैप्टर से कीजिएगा अच्छे से रीड कर लीजिएगा बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आप लोग का और इस क्वेश्चंस को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन आंसर है वन सेंटेंस वाला इसको आप लोग बुक से देख करके पूरा कर लीजिएगा यहाँ पे वन सेंटेंस जहाँ पे लिखा हुआ है उसका पूरा क्या होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं बहुत बार आप लोग लिख भी चुके हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग लिख सकते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस तो यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ लिखा गया है वन सेंटेंस ताकि आप लोग समझ जाए कि ये वन सेंटेंस वाला क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट व्हाई डू वी वेयर क्लॉथ्स हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं तो बिकॉज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट हीट कोल्ड एंड रेन क्लॉथ्स जो है इन सब चीज़ से हमें क्या करता है प्रोटेक्ट करता है इसीलिए हम लोग कपड़े पहनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्या है पीपुल इंगेज इन द जॉब्स वेयर स्पेसिफिक क्लॉथ्स नोन एज यूनिफॉर्म्स आप सब जानते हैं कि यूनिफॉर्म्स आप लोग देखे ही हैं सब जो भी व्यक्ति जॉब करते हैं या कोई भी उस हिसाब से उनका अपना अपना यूनिफॉर्म होता है आप लोग का एक यूनिफॉर्म होता है स्कूल ड्रेस होता है वो भी एक प्रकार का यूनिफॉर्म ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज़ काश्मीलोन तो इसका आंसर जो है वो पूरा यहाँ तक नहीं है क्योंकि इसमें और होगा यहाँ इसके बाद और के बाद क्लॉथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल ऊल और और के बाद कुछ और यहाँ लिखा जाएगा तब आप इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली लिख पाइएगा तो यहाँ तक लिखने के बाद अब यहाँ से शुरू होगा आंसर इसका तब जाके कंप्लीट होगा अगला क्वेश्चन है अच्छा ये क्वेश्चन जो थ्री नंबर है इसको आप लोग यहाँ से एक एक बार यहाँ देख करके के लिख लीजिएगा क्लॉथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल ऊल और सिंथेटिक ऊल कॉल्ड काश्मलन तो यहाँ पे जो रुका हुआ था यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक इसको ऐड कर लीजिएगा ये क्वेश्चन आंसर और ये एक ही है और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है हमारा फोर नंबर वॉट डू यू नो अबाउट अंगूरा उल गारमेंट्स इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं अंगूरा उल गारमेंट्स के बारे में आप लोग क्या समझते हैं ये हमें लिखना है तो अंगूरा उल गारमेंट्स आर मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ अंगूरा रेबिट्स दे आर वेरी सॉफ्ट एंड लाइट आप लोग जानते ही हैं कि अंगूरा गारमेंट्स जो है क्या चीज़ से मना मिल के बना हुआ है अंगूरा रेबिट्स के हेयर होते हैं न जो जैसे रैबिट हो गए भेड़ बकरी तो इस टाइप से जो भी जानवर होते हैं उनके बाल से ये सब चीज़ बनाया जाता है जो कि काफ़ी लाइट वेट होता है हल्का होता है और सॉफ्ट होता है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका फोर तो थ्री फोर कंप्लीट अब हम लोग इसको इरेज करके क्या करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे ये क्वेश्चन आंसर हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आंसर कल हम लोग करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट से फिर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शायद लॉन्ग है हाँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग कल करेंगे शॉर्ट लॉन्ग यहाँ पर वन सेंटेंस वाला खत्म हुआ है तो अब बचा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो ये आज का लास्ट होगा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है वट डू यू नो अबाउट खादी खादी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं खादी इज एन इंडियन क्लॉथ खादी क्या एक Indian cloth है एक इंडियन क्लॉथ है स्पून ऑन अ स्पिनिंग व्हील कॉल अ चरखा जो कि चरखे से काट के बनाया जाता है इट कीप्स द आवर बॉडी कूल इन समर ये गर्मी में क्या करता है हमारे बॉडी को ठंडा रखता है एस है यहाँ पे तो चलिए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा सभी बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे दीजिएगा काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेशन बनाए रखिएगा एग्ज़ाम में तो नेक्स्ट डे हम लोग अगले क्वेश्चन आंसर को करेंगे प्रिपरेशन जो है आप लोग वन टू फोर चैप्टर से कीजिएगा अच्छे से लाइन बाय लाइन जितने भी चैप्टर है ना वन टू फोर में यानी वन से लेके कर फोर में जो भी टॉपिक्स है उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोग को मिल जाएगा ओके okay? चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू